तो स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना एकेडमी ज्वाइन किए क्रिकेटर बन सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे इस वीडियो का मजा लीजिए। तो दोस्तों, मैं एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँ कि बिना एकेडमी क्रिकेटर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, ये आप जान गए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं पहले बता देता हूँ क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद मैं कुछ मौक़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आप बिना एकेडमी ज्वाइन किए हुए भी क्रिकेटर बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदे की बात मैं बताऊं, तो आप कोई भी एकेडमी या फिर मतलब पढ़ाई की एकेडमी या फिर क्रिकेट एकेडमी इसलिए ज्वाइन करते हो ताकि जो आपके बेसिक्स वो होते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और दोस्तों, वो क्लियर कैसे होते हैं, आपको वो एकेडमी के कोच आपको बेसिक्स क्लियर करवा देते हैं जिससे आप एडवांस लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाते हो। और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का जो कोर होता है, कोर प्रोसेस, वो आप में बनने लगता है। ये तो पहला फ़ायदा था कि आपसे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा है वो है दोस्तों, आपको अपना कंपटीशन का लेवल पता चलता है। आप दोस्तों, ये कैसे, जब आप दोस्तों एकेडमी जाते हो तो आपके आप सिर्फ अकेले तो नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है बहुत। आप देखते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है मैच खेलने के साथ। और जब आप अपने साथी स्टूडेंट को देखते हो तो आपको पता चलता है आप कहाँ पे वीक हो उनसे, आप अपना लेवल खुद मतलब कि एक मतलब मेज़र कर पाते हो कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए और मैं कहाँ पर इनसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये सब करने से क्या होता है, आपको मोटिवेशन आता है और आप खुद ब खुद एक बढ़िया प्लेयर बनने के लिए रेडी होने लगते हो। तो दोस्तों, तीसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है दोस्तों प्रायोरिटी इन ट्रायल्स। अब दोस्तों, ये कैसे होता है, देखिए दोस्तों, आप जब एकेडमी में बढ़िया प्रदर्शन करते हो, जब आप कोच की नज़रों में आ जाते हो, तो जो कोच होता है वो जब आप ट्रायल देने जाते हो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कहीं भी, तो जो सिलेक्टर होता है उसको हमारा कोच पहले से बता देता है कि भाई ये बढ़िया प्लेयर है मेरा एक कैंप का, आप इस पर बढ़िया फोकस देना। तो दोस्तों, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि अगर कोई मतलब कि सिलेक्टर आप पे मतलब कि आप इंडिविजुअली आप पे मतलब फोकस दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है ट्रायल में, और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन का जो मतलब कि होता है क्राइटेरिया, वो मतलब कि 70-80% तो फिक्स हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप बढ़िया तो खेल ही रहे हो, उसके साथ आप सिलेक्टर के नज़रों में भी आ गए हो, तो उसको प्रायोरिटी मिलती है बहुत ज़्यादा यार। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ जरिए या फिर रोड्स बता देता हूँ जिससे आप बिना एकेडमी ज्वाइन किए भी क्रिकेटर बन सकते हो। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है दोस्तों हार्डवर्क। अब दोस्तों देखिए, आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं किया तो आपको खुद के हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो एकेडमी के स्टूडेंट करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर पाओगे, तभी दोस्तों आपके पास कुछ मौका बनेगा जिससे आप बिना एकेडमी के लिए बिना एकेडमी ज्वाइन किए क्रिएटर बन सकते हो। दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए यार, ठीक है, तो अभी से हार्डवर्क के लिए लग जाओ अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पर मौका बनता है वो होता है दोस्तों, जहाँ पर भी ट्रायल हो रहा है वहाँ पर एकदम चले जाओ। और दोस्तों, आपको यहाँ पे तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी ट्रायल हो रहा है वहाँ पे आप देने जाओ, अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप जहाँ पे ट्रायल होता है यार वहाँ पे जाओ। ट्रायल में फ़ीस नहीं लगती है, ठीक है, तो कहीं कहीं लगती होगी, बट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अगर कोई रीजनल होता है तो वहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो मतलब कि ज़रिया है जिसे आप बन सकते हो, वो है दोस्तों यहाँ पर आपको के हायर्ड कोच। अब दोस्तों, अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप कोच हायर कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास तो कोई कोच आएगा नहीं आपको सिखाने के लिए, तो आप कोच को हायर कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके मतलब कि पर्सनली बोल सकते हो कि मुझे 1-2 घंटा टाइम दीजिए, तो जिससे आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप बन सकते हो बिना एकेडमी ज्वाइन किए क्रिकेटर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि मेरे वीडियोज़ का ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और आप देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।